अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं स्प्रिंग अनियन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जाड़ों में। ये बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारी सेहत के लिए। ये खाना चाहिए और बहुत टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। स्प्रिंग अनियन आलू, तो मैं इसको आज बनवा रही हूँ, तो दिखाती हूँ रेसिपी शेयर करती हूँ कि किस तरह से ये बनता है। ये देखिए, ग्रीन हरा भरा बहुत ही टेस्टी होती है इसकी सब्जी। मैं इसको साबित धुलवा रही हूँ ताकि इसका किरकिरापन निकल जाए। और ये किरकिरी होती है, मिट्टी ज़्यादा होती है। पूरे बाल्टी में पानी करके अच्छी तरह से धोइए, बिल्कुल किरकिरी नहीं होने के लिए, सारी मिट्टी निकल जाए इसकी। मैं जो तड़का लगेगा वो मैं दिखा रही हूँ। 1 टीस्पून हमने लिया है जीरा, 2-3 हमने लिए हैं लाल वाली मिर्च, सूखी मिर्च, और हमने ये इस तरह से बारीक हमने जो है लहसुन कटवाया है। 6-7 कलियाँ लहसुन की हमने कटवाई हैं। और जितना भी आप चटपटा खाए उस हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको मिर्च बढ़ा सकते हैं आप। हमने 4 आलू लिए हैं छोटे, इसको छोटे ही कटवाएंगे। छोटे साइज के आलू काट के डालिए इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, मज़ा आएगा। इसको जो है कटवा रहे हैं इस तरह से, सारी बारीक बारीक काटना है। स्प्रिंग अनियन की रेसिपी इस तरह से काटना है, बहुत टेस्टी होता है ये, ऐसे काटना है सारी। इस तरह से सारे काटना है बारीक बारीक। मैंने साबुत धुलवाई थी, अब मैं जो हूँ उसको कटवा के धुलवा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से साफ हो जाए, बिल्कुल मिट्टी विट्टी जो भी है निकल जाए। अब आलू को छिलवा रही हूँ मैं, इस तरह से आलू छील के छोटे छोटे काटना है। आलू छील के आलू को पानी में डालेंगे ताकि लाल ना हो आलू। से आलूओं को छील छील के पानी में डालना है, आलू जो है लाल नहीं होता है इससे। इस तरह से आलू काटना है छोटे छोटे। सारे आलू हमारे कट गए हैं और हमारी आल भी कट गई है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे, पकाना शुरू कर रहे हैं। अब हम गैस जला रहे हैं, गैस हमने जला दी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं 1 चम्मच। अब ये ऑयल हमारा खोल जाएगा तब हम इसको बघार लगाएंगे। अब ये हमारा तेल जो है खोल गया है, इसमें लहसुन डाल रहे हैं। हल्का गुलाबी लहसुन हो जाएगा। अब हम जीरा और सूखी मिर्ची डाल रहे हैं इसमें। अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं, आलू को फ्राई करेंगे। देखिए आलू को फ्राई करना है। आलू फ्राई करने से आलू छोटा हो जाता है, टेस्ट में अच्छा हो जाता है।
फ्राई हो गया, अब हमने इसमें सब्जी डाला है। नमक हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून, स्वाद के अनुसार नमक डालिए। अब हम इस पे ढक देंगे, ढक के पकाएंगे फिलो आज के। देखिए ये पक रही है हमारी सब्जी, इसको खोल के देख रहे हैं, सब्जी हमारी पक रही है अच्छी तरह से। ये देखिए हमारी सब्जी जो है बनने में आ गई है, इसमें बिल्कुल भी पानी वानी नहीं डलता, ये खुद अपना प्याज जो है पानी छोड़ती है। तो ये इसी तरह से देखिए अब मैंने बनाई है, उसमें किसी नहीं बिल्कुल भी मैंने पानी वानी नहीं डाला है, आपके सामने ही बनाई है और ये खुद पानी छोड़ती है सब्ज़ी अपने ही पानी में, आलू ये गल जाती है। किसी भी सब्ज़ी में पानी नहीं डालना चाहिए, सब्ज़ी तो खुद ही पानी छोड़ती है। और अब मैं इसको भून रही हूँ, ये भूनने पे आ गई है, सब्ज़ी हमारी तैयार होने ही वाली है 10 मिनट में, बस 10 मिनट के लिए और इसको भूनेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत खाने में टेस्टी होती है, फ़ायदेमंद भी बहुत है। सब्ज़ी हमारी बन गई है, तैयार हो गई है। हम इसको थोड़ा सा धनिया पत्ते से, हरी हरी सब्ज़ी, हरा 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 धनिया इसमें डालेंगे, धनिया पत्ते से थोड़ा सा इसको सजाएंगे, बहुत अच्छी होती है ये। पराठे से खाइए चाहे इसको, रोटी से या नान से खाइए, बहुत ही टेस्टी होती है। और इजी रेसिपी, सिंपल रेसिपी है ये, बहुत ही फायदेमंद। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल रहे हैं, देखिए इस तरह से। ये देखिए सब्जी हमारी कितनी बढ़िया बन के रेडी हुई है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस तरह से बनाइए और खाइए, बहुत ही अच्छी होती है ये। सिंपल रेसिपी है, सिंपल खाना बिल्कुल, पराठे से या नान से रोटी से खाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।